हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको सामाजिक विज्ञान के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बता रहे हैं उसकी सीरीज़ में ये अध्याय 7 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं से रिलेटेड इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए बनाए गए हैं ये हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। यहाँ पर आप देखिएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, भारत विश्व का सर्वाधिक सड़क जाल वाला देश है, तो यहाँ पर आपको दूसरा सर्वाधिक सड़क जाल वाला देश आपको बताना है। अगला है, राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण व रख रखाव के अधिकार क्षेत्र में आता है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत आता है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग उत्तर में याद रखना। अगला प्रश्न देखिए, दिल्ली अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के नाम से जाना जाता है, तो ये शेरशाह सूरी मार्ग है। शेरशाह सूरी ये राष्ट्रीय राजमार्ग 1 के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में आप देखेंगे नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन में बनाया गया, तो यहाँ पर आप लोगों को सार्वजनिक निर्माण विभाग, इसमें आपको 1960 बताना है, और राज्य राजमार्ग की व्यवस्था व निर्माण का दायित्व यहाँ पर लिखेंगे सार्वजनिक निर्माण विभाग। अगला देखिए, विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का नाम है, तो यहाँ पर आप लोगों को अटल टनल बताना है। अटल टनल ये 9.2 किलोमीटर है। भारतीय रेल परिवहन को रेल प्रखंडों में संकलित किया गया है, तो 16 रेल प्रखंडों में। भारत में अंतःस्थलीय नौ संचालन जलमार्ग किलोमीटर लंबा है, कितनों किलोमीटर लंबा है, तो यहाँ पर 14,500। अगला है, देश का प्रतिशत व्यापार समुद्र द्वारा होता है, तो 95% व्यापार जो है समुद्रों के द्वारा होता है। कांडला जिसे पत्तन के नाम से भी जाना जाता है, तो दीनदयाल पत्तन के नाम से भी जाना जाता है उसे, दीनदयाल पत्तन के नाम से भी जाना जाता है। ज्वारी पत्तन है, किस प्रकार का पत्तन है, तो ज्वारी पत्तन आप इसमें बताना। अब देखें आप सभी जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके उत्तर। सड़क परिवहन के गुण लिखिए, अथवा रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन क्यों महत्वपूर्ण है, तो उत्तर में याद रखना, सड़कों की निर्माण लागत बहुत कम होती है, उबड़ खाबड़ स्थानों पर सड़कें बनाई जा सकती है, कम व्यक्तियों कम दूरी के लिए सड़क परिवहन मिल गई है, इसलिए रेल परिवहन से अच्छी होती है क्या, सड़क परिवहन। नेक्स्ट है अटल टनल, मतलब अटल सुरंग है ये, इसमें आप इस प्रकार से याद रखना, किन स्थानों को जोड़ती है, तो ये सुरंग पूरे साल मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है, ये आप इसमें उत्तर में बताएंगे। इसके बाद नेक्स्ट, देश की पहली रेलगाड़ी कब और कहां पर चलाई गई थी, ये सभी आप लोगों के IMP क्वेश्चन इसमें शामिल करे हैं। देश की पहली रेलगाड़ी 1853 में मुंबई और थाने के मध्य चलाई गई, जो 34 किलोमीटर की दूरी तय करती थी, कितने किलोमीटर की, 34 किलोमीटर की। इसके बाद में देखिएगा आप सभी, पक्की सड़कें किस सामग्री द्वारा निर्मित होती है, तो जो पक्की सड़कें सीमेंट कंक्रीट और तारकोल के द्वारा निर्मित होती है, निर्माण उसका होता है। और ये जो आप पेपर देख रहे हैं, जिला प्रशासन कटनी के द्वारा बनाया गया है, हमारे मध्य प्रदेश का जो कटनी जिला है, उन्होंने आपके सिलेबस पर आधारित बेस्ट चीज़ें अपलोड कर दी है। अब देखिए आप सभी, रेल परिवहन कहाँ पर सुविधाजनक परिवहन साधन है, तो उत्तरी मैदान अपनी विस्तृत समतल भूमि, सघन जनसंख्या, घनत्व, संपन्न कृषि व प्रचुर संसाधनों के कारण रेल परिवहन के विकास व वृद्धि में सहायक रहा है, तो यहाँ पर उत्तरी मैदान आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीमांत सड़कों का महत्व बताइए, जो सीमांत सड़कें हैं उसका अनेक प्रकार से महत्व है, जैसे सीमांत सड़कों का निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया जाता है। अगर आपसे पूछा कि सीमांत सड़कों का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, तो आप सीमा सड़क संगठन बताएंगे। और इसके बाद में, इन सड़कों के विकास से दुर्गम क्षेत्रों में अभिगम्यता बढ़ी है, तथा ये सड़कें आर्थिक विकास में भी सहायक हुई है, क्योंकि सड़क के माध्यम से विभिन्न प्रकार का जो व्यापार है उसके जो साधन है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस कारण से डिजिटल भारत क्या है, तो इसमें आपको याद रखना, यह एक ज्ञान आधारित परिवर्तन के लिए भारत को तैयार करने के लिए एक विशाल कार्यक्रम है, और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जो IT है, IT का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी
या इंडियन टेक्नोलॉजी भी हम इसको कह सकते हैं। भारतीय प्रतिभा आईटी प्लस आईटी मतलब सूचना प्रौद्योगिकी बराबर आईटी, कल का भारत में होने वाले परिवर्तन को समझना है और तकनीक को केंद्र में रखकर बदलाव लाना है, इसे डिजिटल भारत कहा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत किन किन वस्तुओं का निर्यातक है। निर्यात का मतलब होता है बेचना, चाहे हम विदेश में बेचें या फिर एक देश में बेचें। तो यहाँ पर किन किन वस्तुओं का निर्यातक है, तो भारत निर्यात में होने वाली प्रमुख वस्तुएं इस प्रकार है, जिसमें रत्न आते हैं, जवाहरात, कृषि व कृषि से उत्पन्न उत्पाद, रसायन व संबंधित उत्पाद इसमें भारत निर्यात करता है। इसके बाद में यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है, देखिए परिवहन व संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था को क्यों कहे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, किन साधनों से देश में उपलब्ध संसाधनों का उचित प्रयोग संभव हो पाता है तथा क्षेत्रीय विषमताएँ दूर होती है। इसके अलावा वस्तुओं व यात्रियों को देश के कोने कोने तक पहुँचाने में परिवहन संचार के साधन सहायक होते हैं। यात्रियों को तो पहुँचाते ही हैं, वस्तुओं को भी पहुँचाते हैं, तो इसलिए इनको महत्वपूर्ण माना गया है। अगला है, परस्पर संपर्क स्थापित करने में ये साधन सहायक होते हैं, इसलिए भी ये जीवन रेखा और अर्थव्यवस्था को जोड़ते हैं या जीवन रेखा या अर्थव्यवस्था कहे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इन साधनों द्वारा आर्थिक विकास में योगदान देने वाली सभी साधनों को अधिक से अधिक मात्रा में जुटाया जा सकता है, इसलिए इन साधनों को देश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। तो ये आपके 10 प्रश्न जो हैं, अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जिला प्रशासन कटनी की एक अभिनव पहल है, जिसमें आपको वो मोस्ट मोस्ट क्वेश्चन बनाकर बता रहे हैं, तो बहुत ही बेस्ट तरीके से आपको याद करना है जैसा कि बनाया है उन्होंने आपके लिए। आप सभी कक्षा 10 वालों के लिए मॉडल टेस्ट पेपर हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध मिल जाएंगे, और हमारी एप्लीकेशन जो है मेंस एजुकेशन, इस एप्लीकेशन पर आपको संपूर्ण हल मिलेगा। तो एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा, और वहाँ पर आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट दिया गया है। आपको कोड यूज़ करना है हिंदी 50। ये जो सैंपल पेपर हैं, इसमें आपको याद रखना है 8 सैंपल पेपर हमारे द्वारा बनाए गए हैं, और उसके अलावा 4 जो सैंपल पेपर है ये बोर्ड के द्वारा जो दिए गए पेपर हैं, वो सारे के सारे आपको हल सहित मिलेंगे। तो एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, सैंपल पेपर वाला कोर्स आपको परचेस करना है, और उसकी जो प्राइस है वो भी आपको 49 रुपीज़ पे करना रहेगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर भी आपको हमारा PDF ये मिल जाएगा, तो टेलीग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में जाकर आप जुड़ जाइए।